2005 में जो मऊ में दंगे हुए थे, जो समय की तस्वीरें आई थी, तो अलग तरीके की कहानियां हैं मुख्तार अंसारी की। एक बैकग्राउंड, किस तरीके से दबदबे के जरिए अपराध की जगत की दुनिया में कदम रखा, राजनीति में आया, लगातार वो विधायक रहा उस मऊ में जहां पर 1992 तक कोई लगातार चुनाव नहीं जीत पा रहा था, उसके बाद वो 5 बार लगातार चुनाव जीतता है। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं मुख्तार अंसारी को लेकर उसके अपराध जगत में। 2 बार उसको पिछले कुछ सालों में जब उसको सजा सुनानी जानी शुरू हुई तो 2 बार उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया जा चुका है अलग अलग मामलों में, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मुख्तार का परिवार फिलहाल मौत को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। परिवार का कहना है कि 19 मार्च को मुख्तार को खाने में स्लो पॉइजन दिया गया था। 19 मार्च से 28 मार्च तक क्या क्या हुआ है, कैसे जेल से अस्पताल और अस्पताल से फिर जेल पहुंचा मुख्तार, 28 मार्च यानी कल क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये वो तारीख थी जिस दिन एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी। चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुआ। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से एक पत्र जज को सौंपा जिसमें लिखा था, 19 मार्च की रात मुझे खाने में स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। मुख्तार अंसारी ने इसे साजिश बताते हुए अदालत से इलाज करवाने की गुहार भी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को इलाज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए थे। 26 मार्च 2024 बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या के चलते मुख्तार को रात में 1 बजे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 14 घंटे आईसीयू में रखकर इलाज किया गया और फिर उसे दोबारा बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने इस पर सवाल उठाए, 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया गया, क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे, 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है, यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की और उसका आलम यह है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। 28 मार्च 2024 गुरुवार को बांदा जेल में बंद अपराधी मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो जेल में बेहोश होकर गिर पड़ा जिसके बाद उसे रात 8:25 पर बांदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां मौजूद 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया लेकिन मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। करीब 10:40 पर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और अस्पताल ने मुख्तार की मौत की पुष्टि कर दी।